सच कहा गया है दोस्तों, आज नहीं तो कल मिलता है, मेहनत का फल अवश्य मिलता है। नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथी, मैं हूं सौरभ कुमार निकेश, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सौरभ टीचिंग सेंटर में। बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार ने फिर से अपनी 7वीं सरकार बना ली है, लेकिन क्या ये 7वीं सरकार बना करके बिहार में रोजगार देगी या नहीं देगी? सिर्फ दिलासा दिला करके तो ये मतलब रह नहीं जाएगी। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में 7वीं सरकार नीतीश कुमार और बिहार को रोजगार बनाम और बिहार में उद्योग क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, क्या कारण है नहीं है, इस वीडियो में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो के आखिरी समय तक बने रहिएगा। आप इस वीडियो के आखिरी समय तक बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाएगी कि हमारा बिहार राज्य पिछड़े होने का कारण क्या है। सो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट में है बिहार सरकार 7वीं बार, जो नीतीश कुमार है अपनी बिहार में 7वीं बार यानी 7 बार सरकार बना ली है। और ये किस प्रकार बनाई है, आप भली भांति इस चीज से परिचित हैं तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर ज़्यादा चर्चा करूँगा। बिहार बनाम रोजगार, बिहार बनाम रोजगार, यानी कि आज अपने भारत के आज़ाद हुए लगभग 74 साल हो गई है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगती है कि बिहार आज भी गुलाम है, बिहार आज भी अपने आप में गुलाम है, क्योंकि ना यहाँ सही से रोजगार है और ना सही से शिक्षा है। अगर कुछ सही से है तो वो क्या है कि मतलब क्राइम केसेस में है या कोई मतलब अपराधी काम में है, भ्रष्टाचार है, ये सब में स्पष्टता है, बट सही काम करने के लिए, अपने प्रांत को उन्नति करने के लिए, अपने राज्य को उन्नति करने के लिए ये सारे प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। तो बिहार बनाम रोजगार, इसके लिए क्या मुद्दा उठाया जाए कि बिहार सरकार तक ये बात पहुँचे कि हम बिहार को अपना रोजगार बनाना चाहते हैं, हम बिहार बनाम रोजगार। जैसे कि आप संविधान में पढ़ते हैं कि केरल बनाम राज्य या फिर तमिलनाडु बनाम राज, मद्रास बनाम राज, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि हमें ना किसी की राज की विशेष दर्जा की मांग सरकार से नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अपने बिहार में रोजगार होना चाहिए, ताकि जो बेचारे मजदूर लाखों लाखों में लोग एक दूसरे जगह अपने घर को छोड़कर जाते हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़कर के सिर्फ कुछ रुपये कमाने के लिए, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए, लेकिन बिहार सरकार को इतना शर्म नहीं आती है कि हमारा अपना मतलब राज्य में, हम अपना प्रांत में कुछ रोजगार दें, कुछ कंपनी खोलें, कुछ उद्योग खोलें, जिसकी वजह से हम अपना राज्य को आगे डेवलप कर पाएँ। तो यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको रोजगार डेवलप करना है तो सबसे पहले शिक्षा पर फोकस देना पड़ता है। अगर आपको रोजगार डेवलप करना है तो शिक्षा, शिक्षा पर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। आप भारत के कोई भी मिलीनियर, बिलीनियर, करोड़पति, अरबपति ऐसे इंसान का नाम बतलाइए जो अनपढ़ है और करोड़पति बना हुआ है, ऐसा है ही नहीं है, कोई पर्सन भी नहीं है, और कभी आगे आने वाला भविष्य में कोई होगा भी नहीं, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तब तक आगे आपका डेवलपमेंट रुक जाती है, आपको सही और गलत चीज़ें की परख करना काफ़ी असंभव हो जाती है। इसलिए रोजगार बनाने से पहले शिक्षा देना बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आप बिहार राज्य में जितने भी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या कॉलेज हैं, बहुत तरीके से मतलब सरकारी शिक्षण संस्थान खोले गए, आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है उस आंगनबाड़ी केंद्र में सही से पढ़ाई होती है, सही से शिक्षा दी जाती है? बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। सिर्फ एक नामांकन के लिए कर लिया गया है कि हम शिक्षा का संस्थान चला रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन हकीकत में ये है कि वो कुछ लोग दरिंदे लोग हैं जो अपना मतलब गरीबों से हक लेकर के, गरीबों को हक जो मिलता है उसका हक चुरा करके वो अपने पेट को भरते हैं, लेकिन उन्हें इतना भी शर्म नहीं आती है कि सरकार से, अरे भैया तो कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मिलता है उसमें कम से कम तो हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों में तो बंटवारा करें। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको रोजगार पाना है तो अपने आप को शिक्षित जरूर कीजिए, क्योंकि
जो नेता लोग हैं वो शिक्षा के ऊपर कभी बात नहीं करते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर इंसान शिक्षित हो गया, अगर अच्छी तरीके से वो अपना माइंड को ट्रेंड कर लिया कि सही क्या है गलत क्या है, हमें किसे चुनना है और हमें किसे नहीं चुनना है, तब फिर आप मतलब अच्छे नेता को चुनेंगे, अपने देश में अच्छे व्यक्ति को मतलब लागू करेंगे। लेकिन नेता इस बात पर यानी शिक्षा की बात पर कभी अपने आप को ये आश्वासित नहीं करता है कि हमें शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अगर शिक्षा की बढ़ावा मिलती है तो फिर जो राष्ट्र नेता जो मतलब क्रूर इंसान को एक नेता बना दिया जाता है वो फिर नहीं बनेंगे। तो इसलिए पहला जो प्रायोरिटी होती है, पहली प्राथमिकता होती है, वो क्या होता है? शिक्षा। शिक्षा के बाद फिर क्या होती है? रोजगार। शिक्षा के बाद है रोजगार। अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपको रोजगार चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मतलब प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के किस लिए करते हैं? अपना रोजगार पाने के लिए। आप अपना जीवन में किसी प्रकार का काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, कुछ भी अगर आप करते हैं तो कुछ भी का जो मकसद है वो है पैसे कमाना, रुपया कमाना। हर एक इंसान का अपना एक खुद का मकसद होता है कि हम कुछ पैसा कमाएं और कुछ अपने आप को बढ़ावा दें। ये आपको मतलब फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट की बात होती है। फर्स्ट पॉइंट में शिक्षा और सेकेंड पॉइंट में रोजगार। अब बात आ जाती है कि जब शिक्षा और रोजगार मिल गया तो फिर क्या हुआ? जब शिक्षा और रोजगार मिल जाएगी तो फिर आपकी मतलब बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर सरकारी नौकरियों की बात करें, खास करके बिहार राज्य के लिए, तो बिहार सरकार सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकालती है, एग्जाम ले लेगी। एग्जाम ले लेने के बाद ना वो फिजिकल करवाएगी ना मेडिकल करवाएगी, आपको बीच में लटका दिया जाता है। और स्टूडेंट में भी मतलब क्या होती है, बगावत पर लोग उतरेंगे। बगावत पर एग्जैक्टली उतरेंगे ही क्योंकि उनके साथ एक प्रोफेशनल फ्रॉड किया गया है। प्रोफेशनल फ्रॉड का मतलब होता है कि आपसे कोई सरकारी मतलब तरीके से आपसे पैसा ले लिया 200, 400, 500 रुपया करके, और आपको पता नहीं चलती है कि हमारे साथ ही प्रोफेशनल फ्रॉड किया गया। जैसे कि आरआरसी ग्रुप डी 137,000 वैकेंसी निकाली है। 137,000 वैकेंसी में कितना अप्लाई हुआ था? 2.5 करोड़, यानी कि लगभग मान के चलिए कि 2 करोड़ की बात ही है कि 2 करोड़ में अब मल्टीप्लाई कीजिए पर व्यक्ति 500 के हिसाब से, तो समझ जाइए कि कितना अरब रुपया होती है। और वो रुपया कहाँ जाती है? सरकार अपने अय्याशी करने के लिए, गलत कामों करने के लिए, दूसरे देशों में मदद करने के लिए उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन अपने ही देश में जो बेचारे भुखमरी के मतलब शिकार हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल रही है, अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको गाइड करने के लिए, उनको सही से मोटिवेट करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई काउंसलर नहीं दिया जाता है, तब बेचारे अपने जीवन को बिल्कुल एकदम पिछड़ते और इतना फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप सबसे मैं यही कहता हूँ कि जो वैकेंसी निकलती है तो प्लीज़ देख करके आप अप्लाई कीजिए, क्या इस वैकेंसी में एक साल तक में इसे कंप्लीट कर मतलब करा लिया जाएगा या नहीं। जैसे कि आप 2019 में देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल में 11,880 पद मतलब निकली थी, उसका पीटी मतलब हो गई, जो मतलब रिटेन एग्जाम होती है एग्जाम हो गई, लेकिन फिजिकल आज तक नहीं हुई है। पता नहीं कब होगी नहीं होगी, इसका पता है ही नहीं है। लेकिन भैया सब लोग तो अप्लाई कर दिए, एग्जाम ही दे दिए, क्वालिफाई ही बहुत लोग की हो गई, लेकिन फिजिकल के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फिजिकल होगी। बिहार सरकार की ये अड़चना है, एक मतलब उसकी एक बेहूदगी है कि साला को शर्म नहीं आता है कर यार हम किसी मतलब गरीब बच्चों को 200-400 रुपया करके मतलब हम प्रोफेशनल तरीके से फ्रॉड कर लेते हैं और अपने आप को बहुत शेर मानते हैं। वो साला भिखमंगा है, भिखमंगा इस बात की है कि वो मतलब हम सबको दिलासा दिलाता है कि बेटा हम आपको बेहतर करवाएंगे, लेकिन बेहतर कराने के बजाय हमें वो बुराई की ओर ढकेल लेता है। तो इसलिए आप सबसे प्लीज़ इसको ध्यान में बनाकर रखिए कि अगर कोई गलत करता है तो उसके प्रति बगावत में आइए, सच की बोलने की हिम्मत रखिए, क्योंकि सच बोलने वाला ही इंसान इस दुनिया में विजय प्राप्त करता है। अरे झूठ बोलने वाला इंसान कुछ पल के लिए आनंद लूटता है, लेकिन सच बोलने वाला इंसान जब तक प्रकृति है तब तक वो आनंद लेता है, तब तक वो आनंद लेते रहता है। आप चले भी जाएंगे इस पृथ्वी पर से, फिर भी आपकी जो मतलब कर्म भूमि रही है, जो आपका समाज में विचार दिया गया है, जो समाज में अपने द्वारा जो काम कर दिया गया है, वो कभी मतलब मिटने वाली नहीं होती है। थर्ड पॉइंट में है बिहार राज्य में उद्योग नहीं होने के कारण क्या है। बिहार राज्य में अगर उद्योग नहीं है तो इसका कारण क्या है?
अगर मतलब बिहार राज्य तो भाई अपना मतलब खेती के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर हम कपास उगा करके हम मतलब बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री का निर्माण कर सकते हैं, हम गन्ना उगा करके गुड़ का निर्माण कर सकते हैं, चीनी का निर्माण कर सकते हैं, अदरखी का निर्माण कर सकते हैं। हम ना जाने कि गन्ने की मतलब खेती से करके कितने प्रकार की हम मतलब मीठे पदार्थ बना सकते हैं, जो कि हमारे पास एक चीज सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी सरकार सपोर्ट नहीं करती है, किसान भाइयों को सपोर्ट नहीं करती है कि भाई मतलब अगर किसी से बैंक से लोन लेना है तो किसान को लोन नहीं मिलती है बैंक से। अगर लोन किसी को मिलती है तो जो गलत लोग होते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो दो नंबर का काम करते हैं, वो लोग को लोन तुरंत मिल जाती है बैंक से। लेकिन जो बेचारे सही काम कर रहे हैं, जो अपने दिल से काम करते हैं, दिमाग से नहीं, जो दिल से काम करते हैं उन्हें इस देश में प्रताड़ित किया जाता है, और जो दिमाग से काम करते हैं उन्हें इस भारत देश में उच्च गद्दी पर बैठाया जाता है और इस भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आपको बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे। मोदी सरकार क्या है, क्या किया इस देश के लिए? कुछ भी नहीं। अगर मतलब जो मोरी मतलब मोदी के जो अपना गुरु मानते हैं, अंधभक्त जो होंगे मानते होंगे कि वाह मोदी मोदी बहुत अच्छा काम किया, अगर सच में अच्छा काम किया तो कितना वैकेंसी ये दिया है, कितने को मतलब ये सिलेक्शन किया? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वैकेंसी दे दिया, एग्जाम हो गई, और उसका फिजिकल और उसका मेडिकल कब होगी, उसका मोदी का बाप जाने, उसका परदादा जाने, किसी का वो पता ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट बेचारे बीच में एकदम अपने आप को डिप्रेस कर लेते। नहीं, आपके अंदर बिल्कुल जुनून होना चाहिए कुछ करने के लिए, एकदम पागलपन होना चाहिए कि हमें इसमें जाना है तो जाना है, चाहे इसके लिए हमें लड़ना पड़े या लोगों को खाकर फेंक देना पड़े, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं, जो मतलब असहाय लोग हैं, सिर्फ उनको क्षति ना पहुंच करके अगर जो बड़े लोग हैं उनको क्षति पहुंच जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सबको क्षति पहुंचना बहुत जरूरी है, अगर नहीं पहुंचेगा तो लोगों की उन्नति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जो मतलब अमीर लोग हैं उन्हें सरकार सपोर्ट करती है, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो नीच थोड़ा सा वर्ग के लोग हैं, जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग हैं, उन्हें सही तरीके से सरकार के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। सरकार सिर्फ अपनी इसे मतलब मुंह दोकला खोरी करके ये शपथ ले लेता है संविधान के प्रति कि भाई हम अपना जनता के प्रति अच्छे से काम करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन वो नहीं करती है। और खास करके जो मीडिया अपना भारत में जो गोदी मीडिया है वो इतना हद तक गिर गई है कि अपना वो मतलब सब कुछ इंसान और इंसानियत, अपना कर्म सब कुछ बेच दी है, उसे सब कुछ लगता है कि पैसा है। लेकिन उसे थोड़ा सा मतलब अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम भी मानव हैं, और जो फुटपाथ पर सो रहा वो भी मानव है, वो भी माँ के गर्भ से निकला है, हम भी माँ के गर्भ से निकले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम गलत काम करके आगे बढ़ गए, और फर्क सिर्फ उस बेचारे के लिए सिर्फ इतना है कि वो अपना दिल से काम करता रह गया, बार बार ठोकरे खा करके इतना फ्रस्ट्रेशन में चला गया कि आगे वो बढ़ नहीं पाया। तो मीडिया तो मतलब इतना है कि आज तक शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर बात ही नहीं उठाती है, फलाना ठकाना पर बात उठाते रहेगी कि फलाना ने कर लिया, चिलाना ने कर लिया, तरह तरह की बात होती रहती है, जबकि ये सब बिल्कुल गलत गलत ही होती है। लेकिन मतलब उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, और स्टूडेंट लोग भी उसी को मानते हैं। बहुत अच्छा है सब, मतलब श्वेता सिंह बहुत अच्छा मतलब न्यूज़ एंकरिंग करती है। क्या न्यूज़ एंकरिंग करती है, अगर अच्छा करती है तो शिक्षा के ऊपर भी तो मतलब बात उठाए, सरकार से मतलब इसको विवाद करे, डिबेट करे कि आखिर शिक्षा मतलब को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता। सिर्फ एक कह दिया जाता है कि हम आपको मतलब 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक को मतलब फ्री शिक्षा देंगे, 1 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक को फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, सारा कुछ देखभाल करेंगे। लेकिन फिर आपके अगल बगल जो होटल में छोटे छोटे बच्चे, 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे जो प्लेट धोते पकड़े जाते हैं, क्या ये मतलब उस बच्चे के लिए शोषण है या नहीं? बच्चे के लिए बिल्कुल शोषण है। लेकिन इस बात को दिल से लोग नहीं समझते, सीधा दिमाग से समझते, लगता है यार निकलो, अब इसकी ऐसा ही किस्मत ही मिला है, ऐसा टाइम ही मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब। अब उन्हें भी लगता है कि हम भी बड़े बड़े असियाने घर में रहें, लेकिन क्या करें, इस मतलब पृथ्वी पर 90% गलत इंसानों की बात है और सिर्फ 10% सही इंसानों की बात है। तो जहाँ पर जिसकी पलरा भारी होती है उसकी बहावाई ज़्यादा होती है, और जिनका पलरा ऊपर उठा हुआ है वे बेचारे हवा में ऐसे तैरते रह जाते हैं। तो बिहार में जो मतलब उद्योग नहीं होने के कारण क्या है, सबसे पहले बिहार सरकार कभी भी उद्योगपति को या जो भी कि छोटे छोटे किसान लोग हैं जो अपना उद्योग चलाना चाहते हैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। आइए पहले इसके पहले हम हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएं कि मतलब क्या था। चीनी उद्योग जो मिल थी 1914 ईस्वी में दरभंगा जिले के लोहाट और रायम क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना की गई थी 1914 ईस्वी में।
नेक्स्ट में था कि पश्चिम चंपारण के क्षेत्र लौरिया में चीनी मिल का उद्घाटन किया गया, इसे कुछ शुरुआत भी किया गया और सही बजट नहीं होने के कारण, सरकार की सपोर्ट नहीं होने के कारण मिल धीरे धीरे बंद भी हो गई। नेक्स्ट में है सिवान जिला और समस्तीपुर जिला में 1918 से लेकर के 1920 तक में चीनी मिल का निर्माण हुई और ये कुछ दिन तक चली जब तक बेचारे इनके पास मतलब अपना कुछ सपोर्ट करने के लिए आपके पास मतलब एक बजट था कि हम इतना बजट में अपना चीनी मिल को आगे बढ़ा सकते हैं, तब तक वो बहुत अच्छी तरीके से चले। लेकिन जैसा ही उनका बजट धीरे धीरे समाप्त होने लगी, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, सरकार के पास जब जाते थे अपना रिपोर्ट लेकर के कि सरकार हमें मदद चाहिए, तो सरकार सीधा ठुकरा देता था। साला उसको शर्म आना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के अन्न उपजाए, जिस व्यक्ति के पानी सब कुछ दे करके मतलब जो खा रहे हैं, जो जी रहे हैं, और उसी को आज ठुकरा रहे हैं। ऊपर वाला माफ कभी नहीं करेगा, सब कुछ देख रहा है। आप जो सीसीटीवी कैमरा चौराहे पर लगाते हैं ना, लेकिन ऊपर वाला का कैमरा इतना बहुत बड़ा, इतना मेगा पिक्सल का बड़ा है कि एक बार जब ऑब्जर्व कर लेती है तो बेटा छोड़ेंगे नहीं, तू गलत किया है, तुम्हारे साथ गलत ही परिणाम देंगे। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो समय के चक्रव्यूह से बच कर गया है। अगर आप गलत करते हैं जीवन में किसी के साथ या अपने साथ भी, तो आपको गलत ही परिणाम मिलेगी, आपको सही बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों के साथ सही करते हैं, अपने साथ सही करते हैं, तो निश्चित जानिए कि आपको जो परिणाम मिलेगी डेफिनेटली आपको सही मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में ना आपसे लाइक का डिमांड रखते हैं ना सब्सक्राइब का, बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो को वो इंसान तक पहुँचे जिनकी भूख है कि अपना बिहार को रोज़गार बनाना चाहते हैं। अपने बिहार को रोज़गार बनाम मतलब बिहार बनाम रोज़गार, इसके लिए हम एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं और सरकार से लड़ेंगे कि हमें बिहार में रोज़गार चाहिए, हमारे बिहार में कंपनी होना चाहिए। भारत में सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई बहुत बड़े बड़े कंपनी इंडस्ट्री एरिया है ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रियल वाले खोलने के लिए चाहते हैं, लेकिन जो सरकार है वो सपोर्ट करना नहीं चाहती है। तो कौन ही मतलब इतना डिप्रेस या इतना मतलब हम किसी का वजन ले, जबकि वजन की बात कहाँ है रे जनाब। तू सबसे पहले थोड़ा सा सपोर्ट तो कर दे, अलॉटमेंट तो दे दे कि इस एरिया में आप कंपनी खोलिए, यहाँ पर जो भी दिक्कतें आएंगी मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। कोई भी उद्योगपति, कोई भी बड़े बड़े व्यापारी अपनी आर्थिक स्थिति से कमजोर नहीं होते हैं, लेकिन सरकार की निगेटिविटी से वो बेचारे अपने विचार को गलत बनाते बनाते वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बस आपसे उम्मीद यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपना बिहार भी हरियाणा जैसा बने, अपना बिहार भी दिल्ली जैसा बने। क्यों नहीं बन सकता है? जब 1862 ईस्वी में जब अंग्रेज यहाँ पर आया, शासन किया, तो सबसे पहले मतलब तीन राज क्षेत्र पर अपना शासन किया था। पहला बिहार, उड़ीसा, बंगाल। अगर बिहार इतना गरीब था, अगर बिहार के पास कुछ भी नहीं थी, तो फिर ये अंग्रेज दुष्ट हरामखोर ये कुत्तों ये मतलब बिहार पर ही शासन क्यों किया था? जब बिहार के पास कुछ है ही नहीं था तो काहे बिहार पर किया था, नहीं करना चाहिए। लेकिन आज वही बिहार जो पूरे विश्व को कल्याण करती थी, पूरे विश्व को अपना एक वरदान देती थी, आज वही बिहार मतलब अपने आप में इसकी अस्तित्व जो है धीरे धीरे बिल्कुल मिट गई, मतलब मिटती जा रही है। और इस पर अगर हम सब युवा पीढ़ी मिल करके अगर इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाते हैं, अगर कोई गलत कर रहा और उस गलत के खिलाफ में नहीं चलते हैं, तो फिर हमारा बिहार कहाँ तक जाएगी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसलिए प्लीज़ आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट है या आप अपने बिहार को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आपके पक्ष में या आपके समक्ष में या आपके अगल बगल में आपके इर्द गिर्द में कोई गलत करता है, तो उसके खिलाफ बोलिए बोलिए कि नहीं ऐसा मत करो, तुम तो ऐसा काहे का कर रहा है। तो इस तरीके से आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम अपने समाज में एक विशाल कायम करें, हम अपने समाज को एक विशाल जगह दें। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो बस शेयर कीजिए। आप सभी का अपना सौरभ कुमार निकेश आपसे विदा लेता है। आप सभी को हृदय की गहराइयों से मुस्कुराते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।